सौतेली बहन डिस्ट्रॉइंग कार। जैसलमेर में जरासन सिंह की दो पत्नियां थी, उनकी बेटियां थी अनुष्का और कनिष्का। दोनों सौतेली बहनों की बचपन से ही आपस में नहीं बनती थी। बचपन में दोनों मिलकर एक कार में स्कूल जा रहे थे कि कनिष्का ने अनुष्का को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। ए अनुष्का, तुम मेरी सौतेली बहन हो, हमारे परिवार में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम इस कार में बैठकर स्कूल नहीं जा सकती हो। चाहो तुम पैदल जा सकती हो या फिर रिक्शा में चले जाओ, पर मेरे जैसे कार में स्कूल जाने का सोचना भी मत, क्योंकि तुम मेरे पिताजी की पहली पत्नी की बेटी नहीं हो, दूसरी पत्नी की बेटी हो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कहकर हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। बेचारी अनुष्का रोती हुई, मैं बड़ी होकर खूब मेहनत करके पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करके खुद की एक कार खरीदूंगी, कहकर उसने निश्चय किया। इस तरह मेहनत करके पढ़ाई की और बड़ी होकर अच्छी नौकरी भी ढूंढ ली। वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन गई थी और उसने खुद कम खर्चे में एक इलेक्ट्रिक ओपन कार बनाया। इससे वो काफी मशहूर हो गई। बड़े बड़े कंपनियों के मैनेजर्स उसके घर आकर, हे अनुष्का, तुम्हारे इस कम खर्च वाले इलेक्ट्रिक कार के फीचर्स और माइलेज बहुत बढ़िया है। यू आर रियली ग्रेट, तुम हमारे कंपनी के साथ टाई अप कर लो। कल ही तुम अपने मॉडल कार को लेकर हमारे प्लांट पर आ जाना, वहाँ हम पार्टनरशिप में कई कार बनाएंगे, कहकर चले गए। ये देखकर अनुष्का की माँ अंजलि देवी, बेटी आज जो तुमने ये बनाया है इसे अपने पिताजी के पास ले जाकर उन्हें दिखाना और उनका आशीर्वाद ले लो बेटी। ठीक है माँ, पर वहाँ कनिष्का है ना, वो मुझसे जलती है, मेरी उससे बनती भी नहीं है। तुम कहती हो कि हम बहनों को मिलजुल कर रहना चाहिए, मैं भी यही चाहती हूँ, पर माँ उसका बर्ताव देखकर मेरा वहाँ जाने का जी नहीं करता। ठीक है बेटे, कल वैसे भी बड़े बड़े कंपनियों में जा रही हो है ना, तो एक बार जाकर अपने पिताजी से मिल लो और वो कार दिखाओ और वहीं से तुम कंपनी चले जाना। तब अनुष्का मन मार कर, ठीक है माँ, कहकर अगले दिन कार लेकर पिताजी के पास गई मिलने। अनुष्का कार में गई, उसे पार्क करके घर के अंदर गई तो उसे देखकर कनिष्का हाथ में पकड़े चाय की प्याली को नीचे पटक कर अपने कमरे के अंदर गुस्से में चली गई। हॉल में अखबार पढ़ रहे पिताजी के पास जाकर अनुष्का ने उन्हें प्रणाम किया। उसे जरासंग सिंह आशीर्वाद देते हुए, जीते रहो बेटा, मैं तुम्हारे ताई और कनिष्का से डरकर तुम दोनों की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ बेटा, पर तुमने अपने प्रतिभा से एक बढ़िया कार डिजाइन किया है। तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ ही रहा था कि तुम यहाँ आ गई, बहुत अच्छा काम किया है बेटे। मैं दुआ करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कम से कम तुम्हें देखकर ये जिद्दी लड़की कुछ सीख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो अच्छा होगा। यूं कह रहा था कि कनिष्का तूफान की तरह तेजी से बाहर आई और गुस्से से दरवाजा को बंद करते हुए बाहर चली गई। ये देखकर जरासंध, देखा उसकी अकड़, किसी की बात ही नहीं सुनती, बचपन से ही ऐसी है। उस गुस्से को और अपने आक्रोश को यदि वो पढ़ाई में दिखाकर खूब पढ़कर तुम्हारी तरह कुछ करके दिखाती तो मैं भी खुश होता, ऐसा कुछ नहीं करती है बेवकूफी के अलावा। कोई बात नहीं पिताजी, आइए मेरा कार देखिए, आपको उसमें बिठाकर मैं एक चक्कर मारती हूँ, फिर कंपनी वालों से जाकर मिलना है। यूं बाहर आए तो उन्हें जोर की एक आवाज सुनाई दी। देखा तो उन्होंने कनिष्का को एक जेसीबी से अनुष्का के वो मॉडल कार को नाश करते हुए देखा। बाहर लोग उस तमाशा को देख रहे थे खड़े खड़े, किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं किया। जरासंध दौड़ता हुआ गया और कार के सामने खड़ा होकर, अरे शैतान उतर जाओ, तुमसे तो ऐसा कार बनाना होगा नहीं, तो उसे नाश करने का तुम्हें किसने अधिकार दिया, बंद करो और नीचे उतरो। तब तक कनिष्का कार का नाश कर चुकी थी। नीचे उतरी तो जरासंध ने उसे जोर से थप्पड़ मारा, पर कनिष्का हंसती हुई, तुमने मेरे पिताजी से मुझसे थप्पड़ खिलवाया, पर मुझे रोना नहीं आ रहा है, क्योंकि
मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारी कार को बर्बाद कर दिया। उस खुशी के सामने ये तप्पड़ कुछ भी नहीं है। देख लो तुम्हारी क्रिएशन को कैसे टुकड़े टुकड़े हो गए। कहकर भीतर चली गई। ये देखकर जरासन, अब क्या करोगी बेटी? अब तुम बिना मॉडल कार के कंपनी वालों से कैसे जाकर मिलोगी? आप चिंता ना करें पिताजी, ये तो बस प्रोटोटाइप था। ऐसे ही एक और कार मेरे गैराज में है, उसे ले जाऊंगी। बस आधा घंटा लेट पहुंचूंगी। कोई बात नहीं, मैं जानती थी ये कुछ ना कुछ करेगी, पर ऐसा करेगी ये मैं नहीं जानती थी। कहकर अपने गैराज से दूसरे कार को कंपनी वालों के पास ले गई और प्रोजेक्ट डिटेल्स मैनेजर को समझाया। उन्होंने उसे प्रोजेक्ट दिया। इस तरह अनुष्का बड़ी होकर ना सिर्फ एक कार खरीदा बल्कि एक कार कंपनी की मालकिन बन गई।